नमस्कार, शुभ यात्रा चैनल में आप सभी को स्वागत है। और इस बार मैं आपको लेके चलूंगा गुलमर्ग, जो कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दिसंबर महीने में कश्मीर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। मॉर्निंग, अभी रेडी हम गुलमर्ग जाने के लिए। ये गुलमर्ग जो है कश्मीर का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है, -8 डिग्री तक जाता है। गुलमर्ग वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन अर्थ। गुलमर्ग में काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसमें से मेन है गंडोला प्रोजेक्ट, जो केबल कार प्रोजेक्ट है। ये गंडोला जो है एशिया का हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट केबल कार प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट केबल कार प्रोजेक्ट, मतलब बहुत ऊपर से। अर्ली मॉर्निंग होटल हिमल, जो JKTDC का है, वहाँ से चेकआउट करके मैं गुलमर्ग का तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर बाद भी आर्मी पर्सन बंदूक लेके खड़ा है, तो मुझे बहुत सेफ फील हो रहा है। मैं पहुंचूंगा तनमर्ग, जहाँ पे मेरा गाड़ी चेंज होगा। ये मैं पहुंचा तनमर्ग, यहाँ से मेरा गंडोला और जो भी गुलमर्ग का जो साइट सीइंग है वो चालू होगा। कश्मीर वैली में एक लोकल रूल है, अगर आपने श्रीनगर से गाड़ी हायर करके गुलमर्ग आ रहे हो तो गुलमर्ग में लोकल साइट सीइंग करने के लिए आपको यहाँ का यूनियन का गाड़ी लेना पड़ेगा। और ये रूल एप्लीकेबल है फॉर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, सभी जगह के लिए। यूनियन का गाड़ी में सदा मुस्कुराते इजाज भाई हमें लेके चल रहा है गुलमर्ग का पहला डेस्टिनेशन। और पीछे अपना गाइड साहब है, जरूर जरूर, हमारा मंजूर भाई तो है हमारा साथ। कश्मीर ट्रिप का टोटल 6 दिन में मंजूर भाई का गाड़ी में ही घूमा। और ये है फेमस ड्रंग वाटरफॉल। ये ड्रंग वाटरफॉल दिसंबर से लेके मार्च तक आपको ऐसे ही नजारा मिलेगा देखने के। ठंडी में पानी का पाइप जब फट जाता है तो ऐसे ही शिवलिंग बन जाता है। ड्रंग वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा देख के मन एकदम प्रफुल्ल हो गया। मुझे लग रहा था कि गुलमर्ग का आगे का दर्शन भी बहुत अच्छा होने वाला है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दोनों साइड का बर्फ, वाओ। मेरा हिसाब से दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर, मतलब आप कश्मीर आएंगे तो दिसंबर में एक बार जरूर आना। गुलमर्ग में आपको दिसंबर से लेके मार्च तक बहुत बर्फ मिलेगा, और कभी कभी रास्ता भी पूरा बर्फ में बंद हो जाता है। उस टाइम आर्मी का जो चेन वाला कार है वही आपको बाहर निकालने के लिए हेल्प कर सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो नीचे -8 डिग्री तक जाता है, उस टाइम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेगा आपको। गाड़ी में चलते चलते मैं पहुंच गया महाराजा हरि सिंह साहब का पैलेस। 19वीं सेंचुरी में ये पैलेस बनाया गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा। प्राय 8700 स्क्वायर फीट एरिया जोड़ के है। इसके अंदर आपको वुडन का कारुकार्य जो देखने मिलेगा। जंग के सामान के वो दौरान के ये मुकुट था। अच्छा, ये तलवारें हैं, कुछ बंदूकें हैं जो उस टाइम में वो यूज करते थे। ये उनका आर्मरी है। ये पैलेस का आउटगेट है, और नीचे जो है पहले जमाने में घोड़े का अस्तबल हुआ करता था। अभी ये पैलेस को शूटिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे पिक्चर का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद गाइड साहब हमें लेके चल रहा है गुलमर्ग का जो फेमस व्यू पॉइंट है वहाँ पे। और ये व्यू पॉइंट ऐसा है, आप देख रहे हो चारों तरफ कम से कम 5 से 6 फीट का बर्फ है, और मेरा कैमरा जहाँ तक घूम रहा है वहाँ तक वाइट पूरा गुलमर्ग सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। और सच में ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ का बर्फ़ जो है बहुत सॉफ्ट है, मतलब आप यहाँ पे स्लिप नहीं करोगे। थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद मैं फिर निकल पड़ा। और साइड में देखिए गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स, जो एशिया का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। इसके बाद मैं पहुँचा JKTDC का जो ऑफिस है वहाँ पर, क्योंकि मेरा गुलमर्ग में 1 दिन का स्टे है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट वो लेटर लेने के लिए जहाँ पर मेरा एकोमोडेशन होगा। पेपर कार्रवाई ख़त्म करके मैं पहुंच रहा हूँ गुलमर्ग का सबसे एक्साइटिंग प्लेस में। तो मैं जा रहा हूँ गंडोला राइड फेज 1 अवेल करने के लिए। टिकट तो है मेरा फेज 1 का, तो फेज 2 का मुझे मिला नहीं। एक्चुअली फेज 2 भी हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, फेज 2 रखा है मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी कश्मीर तो एक बार में पूरा मन भरता नहीं है, इतना अच्छा इतना खूबसूरत जगह, बार बार आओ तभी भी कमी पड़ता है। कमी हो जाता है। और ये रोपवे एरिया का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। ये इसका एंट्री पॉइंट है,
ये गंडोला केबल कार के लिए आपको थोड़ा सा लाइन देना पड़ेगा, और ये आप देख पा रहे हो कितना लाइन है। तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जितना जल्दी आप हो सकता है यहाँ पहुँच जाइए और फर्स्ट स्लॉट अवेल कीजिए। और बहुत प्रत्याशित, बहुत अपेक्षित मेरा रोपे का जर्नी शुरू हुआ, और आप देख पा रहे हो कि नीचे जो बर्फ का जो चादर है वो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर जगह भी हो सकता है। ये केबल का राइड जो है दो फेज में डिवाइड है। फेज़ वन में गुलमर्ग से लेकर कंगडूर ले जाता है, जो 9000 फीट ऊपर है, अराउंड 9 मिनट्स का जर्नी है। और सेकेंड फेज में आपको कंगडूर से लेके अपर वाट पीक तक लेके जाएगा, जो अराउंड 13000 फीट ऊपर है, और ये जर्नी रहेगा अराउंड 20 मिनट का। तो मैं अभी पहुंच रहा हूँ फेज़ वन का कंगडूर वैली, जहाँ पे कुछ विंटर स्पोर्ट्स हम खेलेंगे। और सेकेंड फेज़ का टिकट तो मुझे मिला नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर सेकेंड फेज़ लेना, उसका नज़ारा और भी खूबसूरत है। यहाँ आप स्कीइंग कर सकते हो, यहाँ पे स्लेज भी अवेलेबल है, और यहाँ पे स्नो मोबाइल है। इतना ऊपर आके तो थोड़ा भूख लग। क्या नाम है आपके? अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, मैगी बना रहा है एकदम 8000 फीट ऊपर, गरम गरम मैगी मिलेगा और साथ में चाय। ये है स्नो मोबाइल। और सच में इतना एक्साइटिंग जर्नी करने के बाद भूख के बारे में तो भूल ही गया था, लेकिन ऊपर आके गरम गरम मैगी देगा इस ठंडी में और संभाल नहीं पाए। 10000 फीट ऊपर गर्मा गर्म मैगी, इसका स्वाद ही कुछ और है, और साथ में चाय और बनमस्का। और यहाँ पे अब्दुल भाई का तो इंग्लिश मूवी का हीरो लग रहा है। ये स्नो मोबाइल में मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ है साहिल भाई। साहिल भाई स्नो मोबाइल में मेरे लेके चल रहा है, जा रहा है। हाय। और ये स्नो मोबाइल तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, इसका ऊपर खुद चलाने का मजा तो कुछ और ही होगा। तो साहिल भाई थैंक यू वेरी मच, सो मच सर, लव यू, थैंक यू, लव यू। और ये पहाड़ का नजारा देखिए, ये वैली का नाम डेथ वैली है, जो फॉरेन लोग यहाँ पे आते हैं। ओके। वो टॉप ऑफ द माउंटेन से आते हैं स्की करके। हाँ ठीक है सर। हाँ। फिर कभी कभार एवलांच आता है। अच्छा। वो बर्फ का वो तूफानी बर्फीली तूफान, उसमें दब जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे हर साल डेथ होती रहती है। ओके। पिछले साल भी दो यहाँ पे मार गए स्पेन के। तो ये देख, ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन जोन है, ये मतलब सेफ है। यस सर। अच्छा, इसके बाद ये गंडोला का सेकंड फेज है, जहाँ पे अपना टॉप पे लेके जाता है सारे 13000 फीट ऊपर। उसके बाद ये शुरू हो जाता है रेड जोन, थोड़ा डेंजरस है। और यहाँ आके तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे तो लग रहा है 2 से 3 फीट का बर्फ होगा, और बर्फ के ऊपर चलना वाव। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आ रहा है, एकदम मिल्की वाइट बर्फ है। फेज वन कंप्लीट करके हम वापस अभी दोबारा गुलमर्ग चला जाएंगे। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत पल हमेशा जिंदगी में याद रहेगा। और हमारा गाइड साहब जो थे बहुत अच्छा से हमें गाइड किया, पूरा रास्ता गाइड किया। ये जो रेड वाला केबल कार आप देख रहे हो, ये जा रहा है सेकेंड फेज अपर हट पीक, जो सारे 13000 फीट ऊपर है। और मेरा गंडोला फर्स्ट फेज का डिसेंडिंग चालू हो गया, मींस मैं वापस जा रहा हूँ गुलमर्ग। और ऊपर से जब केबल का नीचे आ रहा है, तब मुझे पता चल रहा है कि कितना ऊपर मैं गया था। आपको नीचे दिखाई देगा कुछ घर जो बर्फ में ढका हुआ है। अभी फिलहाल ठंडी का टाइम में कोई रहता नहीं, बट गर्मी का टाइम में जो गाय भैंस चराता है वो लोग यहाँ पे आके रुकता है। गंडोला राइड ख़त्म करके गुलमर्ग में जो एक चिल्ड्रन पार्क है वो देखने के लिए हमने गया, और उसके बाद हमने वापस आ गया जहाँ पे हमने होटल बुक किया था। JKTDC का रिसोर्ट है ये, इसका लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। वो अलाम्बाल रिसोर्ट जहाँ पे मैंने रुका हूँ। अभी रात का 8 बज रहा है, टेम्परेचर करीब -4 के आसपास होगा। अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो, रात को स्टे करोगे, तो आप पहले से होटल बुकिंग कर लीजिए ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्ट है नहीं यहाँ पे।
मेरा पहले से प्लान था कि गुलमर्ग में एक रात रुकूंगा बर्फ का अंदर, सो मैं JKTTC का वेबसाइट से ऑनलाइन पहले ही मैंने ये रिसोर्ट बुक कर लिया था। अभी देखिए रात को मैंने निकला खाना खाने के बाद, तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी उतना नहीं लग रहा है, अगर आप अच्छा से क्लोथिंग करके आओगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। और ये रिसोर्ट का अंदर का इंटीरियर जो है बहुत ही खूबसूरत है, और अच्छी बात है कि इसका रेस्टोरेंट भी खुद का है तो खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सभी को गुलमर्ग से गुड मॉर्निंग कहते हुए मैं सुबह का नज़ारा देखने के लिए नीचे आया, और नीचे आके तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये पीछे का जो पहाड़ है इसके ऊपर बर्फ़ गिरा हुआ है, और उसके ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो पूरा गोल्डन कलर हो जाता है, और ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। टेम्परेचर अराउंड -3 डिग्री के आसपास होगा। तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा नीचे वॉक कर रहा था, और यहाँ से जाने से पहले गुलमर्ग का जो सीनरी है वो मैं देखने का कोशिश कर रहा था, मन में छापने का कोशिश कर रहा था, बर्फ़ के ऊपर मैं चल रहा था। इसके बाद होटल से चेकआउट करके गुलमर्ग का और एक पॉइंट देखने के लिए मैं निकल पड़ा। ये गुलमर्ग में शिव मंदिर है, यहाँ पे राजेश खन्ना साहब का शूटिंग हुआ था, वो जो जय जय शिव शंकर, तो ये मंदिर हम देख के आते। ये गुलमर्ग का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। मंदिर थोड़ा हाइट में है, इसका मतलब ऊपर से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं मंदिर में अभी प्रवेश कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।